यानी कि गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा तल्लुक वैकुंठ से स्वर्ग से चलना से। तो इसका खुलासा यह हुआ कि जो गंगा और यमुना में स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो वैकुंठी हो जाएगा, वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा, वो पैराडाइज में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा वेदव्यास जी, आदमी गंगा और यमुना में स्नान कर लेता है तो क्या वो स्वर्गवासी हो जाता है, क्या वो वैकुंठी हो जाता है, क्या वो पैराडाइज में जाने के लायक हो जाता है? तो वेदव्यास जी कहने लगे कि अगर आदमी स्नान कर करके नहा नहा करके गुस्ल कर करके अगर जन्नत में चला जाता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में आ जाता। ए भाई साहब, सलाम अलैकुम। ए नौजवान ने तेजिया कमेटी, ए भाई साहब सलाम अलैकुम। जब घर रही तो बाहर रही, जब कमेटी के लोग हाय 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 करने लगी तो पब्लिक क्या है ना जी, वो चली जैसे तुरे दाल भर भर है ना। आप डंडी से चलिए तो हम आपसे आगे चलेंगे, अब पत्ते पत्ते चलिए तो हम डालो डालो का चलेंगे, डालो डालो चलेंगे, बहुत चलेंगे है ना। तो मुस्कुरा कर जरा सा बोल दी। मैंने कहा बेगोरी आगे आदमी वैकुंठ की स्वर्ग की जन्नति कैसे होगा होगा? तो कहने लगे स्नान करने से अगर आदमी जन्नत में चला जाता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता। मैंने कहा वेदव्यास जी, आखिर आदमी स्वर्ग में कैसे जाएगा, जन्नत में कैसे जाएगा? तो कहने लगे एक काम करना होगा, एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने कहा कौन सा जाप जपना होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पदम पदम वैकुंठ विराजो। मैंने कहा वेदव्यास जी, इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाजह करके बताइए। तो कहने लगे ला हा ला हा ला हा ला हा ला हा। मैंने कहा वेदव्यास जी, आसान करके बताइए ना, मंत्र मत पढ़िए। तो वेदव्यास जी कहने लगे कोई भी शिक्षित पंडित, ज्ञानी पंडित, पढ़ा लिखा पंडित, जब इस दुनिया से उसका निधन होने लगता है, अंतकाल होने लगता है, मरने लगता है, तो अपने बेटे को बुलाता है और कहता है मेरे पुत्र, ये मेरे बेटे, सुनो सुनो, मरने से पहले ब्रह्म सूत्र जरूर पढ़ लेना, अनकही जरूर पढ़ लेना। वो अनकही क्या है? लाई लहरे पापम लाई लहरे पढ़ोगे हृदय का पाप हरण हो जाएगा, लाई 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 पढ़ोगे दिल का पाप संत हो जाएगा, पढ़ोगे तो हृदय का पाप खत्म हो जाएगा, लाई 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 पढ़ोगे तो पाप नष्ट हो जाएगा। पाप तो गुनाह मुसलमान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा हजरत? फजर से पहले उठेगा मगर फजर में नहीं जाएगा, चाहे खाना में मोहल्ले के चाहे खाना में बैठेगा, आंख मिसल मिसल करके खैनी ठोक फाट करके कहेगा ये इमाम सब जगी अभी तक फजर के अजान नहीं दिए, सोए रहते हैं घर भी रात पड़ते हैं, इनको उठना चाहिए कि नहीं? उस बेगैरत को गैरत नहीं, ये खुद ही जाके अजान दे दे, चाहे खाना में बैठ के इमाम की भोरे भोरे शिकायत करता है, ऐसा लगता है जैसे जुमे की दिन मस्जिद में नियत करता है पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के, तो उसको समझ में बात आएगा पीछे पड़े रहो इस इमाम के, राय में सबू से हाथ धो के पीछे पड़े रहो। इमाम साहब कई मरतब पसाना जाते गिनते रहो, इमाम साहब कई मरतब पान खाने जाते हैं शुमार करते रहो। आज का बूढ़ा चाचा जो मस्जिद में जाता है और दुआ के लक्ष सबू से हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है इमाम के पीछे, के इमाम साहब कई मरतब से नमाज में ये सब गिनती करता रहता है, ये तो बूढ़े चाचा लोगों की आदत है, मगर आज का नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा है, निकाही टोपी एक ही तलबी लगा लेता है, जुमे की नमाज पढ़ेगा दो घंटा मस्जिद से बाहर आएगा असर से पहले इमाम साहब के पास और कहेगा हजरत अल्लाह
इमाम साहब खाने खिलाने लगे, इतने में असर की आजान हो गई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम साहब कबला ने कहा भाई असर की आजान हो गई। गुज्जा मुजफ्फरपुरी साहब ने कहा भाई आजान हो गई है, चल अब असर की नमाज पढ़ ले। आज का नौजवान क्या कहता है, गुज्जा मुजफ्फरपुरी साहब इमाम साहब गुंजा भाई ने कहा कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वजू कर, वजू करके चल असर की नमाज जमात से पढ़ ले। मगर आज का नौजवान क्या करता है, हजरत हमको समझ नहीं पाए कि हम कमन है। गुंजा भाई ने आप पूरा मुजफ्फरपुर जिला समझ के भाई पे हैं, आप तो टोपी पहना था, चल वजू करके चल असर की नमाज पढ़ो। आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से गुंजा मुजफ्फरपुरी के कान में मुंह सटा के कहता है हजरत हंस के चुगले को मिटा लिया मेरे दोस्त, मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निसफुल ईमान। अरे पाकी जो है आधा ईमान है, मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए, कराना चाहिए, पाक रहना चाहिए भैया, पाक रहना चाहिए भाई साहब, पाक रहना चाहिए। जलसा में क्या था, बोतल खरीद लिया पानी, पानी का बोतल खरीद लिया, अचानक मौलाना साहब गांव का देहात पक्का थुथुरा आ गया स्टेज के करीब, कहा गया मौलाना साहब खड़े होके पिएंगे तो हमारा का बिगड़ जाएगा। मौलाना साहब ने कहा शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, बैठ बैठ पियो, दोनों हाथ से पानी पियो, तीन घूंट में पानी पियो, आगे खड़ा ही होके पिएगा तो बिगड़ जाएगा। मौलाना साहब ये बोले शरीयत के खिलाफ है, क्या कहा हम नहीं सही से हमको समझाइए। मौलाना साहब खाली कहे शरीयत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, अब कहा का बिगड़ेगा तो ई ना बताइए। देख देहाती मौलाना से कहे मौलाना साहब हटी हटी की थेथर को हम समझाते हैं, का के खाड़ा हो पानी पिएगा तो शैतान के पेट में पानी जाएगा, अब बैठ के दोनों हाथों से तीन घूंट में पानी पिएगा तो तुम्हारे पेट में पानी जाएगा। बस बस अब समझ गया, अब ना समझाइए, अब समझ गया, समझ गया, अब गया कल घर चौराहे पे सबसे बड़ा लभनी लेके बैठ गया, अब बोतल में नाप करके बड़े हाथ से खड़े होकर के गटगट गटगट कर रहा था। इतने में इमाम साहब की नजर काहे खलियान शराब पीता है रे, हराम काम करता है, मोहल्ला खराब करेगा, सोसाइटी खराब करेगा। मौलाना चुपचाप रहिए, लमहर मौलाना की तकरीर सुने है जलसा में, मौलाना ने कहा है कि दाहिना हाथ से पियोगे बैठ करके पानी तो अपने पेट में, या बायां हाथ से पियोगे तो शैतान के पेट में, और 10-20 बोतल बायां हाथ से शैतान के पेट में चढ़ा देना चाहते हैं तो मदहोश हो जाएगा। हमारी वहाँ का फर्क कोई अनुभव नहीं है, है ना, खालिदों के पास बैठ के कुछ अच्छा सीखिए। हम यहाँ कह रहे थे आज का नौजवान कब बिगड़ा नहीं, वो कहता है कि नापाक है मेरे दोस्तों, और गुंजा मुजफ्फरपुरी साहब आज के नौजवानों की अजब सी हालत बन गई है। आज कल हर हर अहमद रजा भाई आज के नौजवानों को ये खबर ही नहीं, पता नहीं चल पाता कि आज का नौजवान है पहन के सिलवाता है या सिलवा के पहनता है, इतना फिटिंग पहनता है। कल तक तो थोड़ा खैर था मगर आज कल तो पता नहीं चल पाता, ऐसा जींस ऐसा कपड़ा पहनता है नौजवान, इधर फरता इधर फरता इधर फरता, पता नहीं चल पाता, डर लगता है कि ईद बकरीद में आज का नौजवान ऐसा कपड़ा ना खरीद ले, ईदगाह में जाए कंपनी कहीं दूसरी जगह पता कर दे तो पीछे वाला शख्स आ जाएगा। और फिटिंग जींस में इतना बड़का मोबाइल, आज का नौजवान कान
मकान के नीचे दाब देता है और रोड के किनारे खड़ा हो जाएगा। और एक ट्रेन धस्सा मतल चालू, स्पीड बोर्ड चालू, अब खड़े होकर बात भी करता है, दमकल भी चालू रखता है। अब चाहे अहमद रजा साहब आ जाए, सैगुंजा में मुजफ्फरपुरी आ जाए, कोई साहब आ जाए, कोई फर्क पड़ने को नहीं है। स्पीड बोर्ड चालू है, चालू है। हंस के जुमले को मत डालिए मेरे दोस्त, अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। आज इस उर्स मुकद्दस से ये इरादा ये तहैया करके जाइए कि आज से मेरा बदन ना पाक ना रहेगा, मेरा बदन पाक क्या रहेगा, पाक रहेगा, पाक पाक, 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 पाक। मौत की क्या गारंटी है मेरे दोस्तों, कब आ जाए, कब इस दुनिया से स्वाहा। मैंने कहा वेदों के आगे आदमी वैकुंठ स्वर्ग की जन्नति कैसे होगा, तो कहने लगे एक मंत्र पढ़ना होगा, लाई लहरने पाप लाई लहरना पड़ोगे, हृदय का पाप हरण हो जाएगा, हृदय का पाप धुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर निष्कास मेरे मुस्तफा मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्नत, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज। माशाल्लाह, आप समझ रहे हैं, हम समझे यहाँ से आने के बाद, मगर चलिए समझ समझ के ना मुस्कुरा कर जरा सा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जी लगा करके सुभान अल्लाह। मेरे काबे तो आज और आसान करके बनाइए, इसका खंडन खंडन करके बताइए, वाज़ह करके बताइए। तो कहने लगे लाहौर महामल है, मैंने कहा वेदों में आज ये क्या है, तो कहने लगे लाहौर से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामल से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमे पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, पैगंबर का मदीना रहा करता है। क्या रहा करता है, पढ़ना चाहिए तो बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। ये आधा घंटा हो गया, वो हवा के आई है ना, फिर जिंदगी वफा करी जितना मंत्र शुरू में। अच्छा छप्पन है, और मुस्कुरा करके मुस्कुरा करके बोले, मुस्कुरा करके बोले। अच्छा एक बात बताइए, आप किस मुल्क में रहते हैं, देश में रहला जा हिंदुस्तान भर से इंद्रावास नहीं के मिला, जब अपने मुल्क का नाम ले मेरे में शर्मा कर लो तो फिर क्या पता चली किस मुल्क में रहते हैं हम लोग, हिंदुस्तान। मेरे दोस्तों तो इसी मुल्क के हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है, कहा जाता है नकल कुफर कुफर नबाशा मेरे दोस्तों, लकुम दीन कुमोनी यदि उनका दीन दीन का दीन हमारे बरादरे वतन हिंदू भाई का धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है, लाई लाहा के दिन धर्म में मजहब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है मेरे दोस्तों। इसी मुल्क के हिंदुस्तान के बगल में मेरे दोस्त एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है, उस श्रीलंका की धरती पर एक हमारे बरादर वतन हिंदू भाई के, हालांकि ये जुमला अहमद रजा साहब हमारी शरीयत में बोलने की इजाजत नहीं, मगर उनकी बोली बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं जिनको हिंदू समुदाय के यहाँ मेरे दोस्तों उनको शंकर जी कहा जाता है और उन्हीं को महादेव जी भी कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे शंकर जी बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी, पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी
तेरी पत्नी पार्वती। तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल्कि अवतार आने वाले हैं, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक बालक जन्म ले। भाई साहब, ओ भाई साहब, सलाम अलैकुम। मुस्कुराने का सवाब अलग मिलेगा और सुभान अल्लाह बोलने का सवाब। खत्म कर दिया जाए तब मेरे दोस्तों पार्वती को जवाब मिला, ये मेरी पत्नी, जब वो बालक आएगा, वो बच्चा आएगा, वो कल्कि अवतार आएंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का, पूरे दुनिया की, पूरी दुनिया के अंदर मेरे दोस्तों इनकलाब लाएंगे और काया को पलट देंगे। मेरे दोस्तों आपसे कहा जाए कि कल मुजफ्फरपुर में एक नया एसपी आने वाला है, एक नए डीएम आमद आमद है, जो पूरे जिले के अंदर हरकत ला देगा, जितनी भीड़ लगी रहती है सबको खत्म कर देगा, रास्ता को क्लीन कर देगा, अब लाएगा शांति, लाएगा जिले में। अब एसपी कहाँ का होगा, इसका कुल डाटा पाइप डाटा निकालो, इससे पहले इसकी पोस्टिंग थी का, इसका नाम कहा, क्या है घर, कहा है इतना कड़ियल कैंगर, कहाँ का एसपी है। मैं सही पार्वती बोलू थी, हे महादेव जी, इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बच्चा जो आने वाला है, इतना महान बच्चा जो आने वाला है, वो बच्चा का नाम क्या होगा, उसके माता पिता का नाम क्या होगा, वो कौन से गांव में आए। आप भी सुनना चाहते हैं, अरे भाई वेदों की दुनिया से सुनना चाहते हैं, अरे बाबू सुनना चाहते हैं आप लोग, एक सरकारे सुरताही के नाम पे उठे, अब दूसरा मौला अली के नाम पे उठे, और हाथों को उठा के लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, नारे नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरताही, फैजाने गौसे आजम, सब उलमाए किराम, नारे तेरी फिर जवाब मिला, ये मेरी पत्नी जो बालक आने वाला है, जो लड़की आने वाले हैं, उनका नाम होगा ओ तारा मोहम्मद इंदर मित्र मरमुर मरो, और जिस गांव में आए उस गांव का नाम होगा संबलगढ़, दाता का प्रास युग युग महा संतोष महा अर्पण महा बलवतन महा, नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा सलीम भाई सलाम अलैकुम, कहिए वालेकुम सलाम। अकेले का मीटिंग है क्या, कि औरों का मीटिंग है, हम सब एक अकेले का मीटिंग। अच्छा बाजार मीटिंग का लोग बाजार में घूमेगा तो अल्लाह की पना कुर्सी पे कौन बैठेगा, मौलाना की इबादत कौन करेगा, दुकानदार की हम मौलाना इसलिए पानी में दहाते हैं, बाढ़ में दहाते हैं, ये मौलाना इसमें से एक साल में कम हो जाए, और हर साल एक कम हो जाए, मुनादात कौन पढ़ेगा, जलसा कौन पढ़ेगा, उससे कीमती ये ना है, मजार को चादर चढ़ाने की अहमियत मौलाना ना बताएंगे, चादर से चादर की कद्र कीमत मौलाना ना बताएंगे, कीमत बताने वाला, फजीलत बताने वाला, सबसे ज्यादा इनकी इज्जत कीजिए, क्या कीजिए, हाँ अपने इलाके के आलिमों से मोहब्बत कीजिए, प्रदेश में आइए तो अपने इमामों को तोहफा दीजिए, उनसे मोहब्बत से पेश आइए, अदब से पेश आइए, कुछ बातें करनी हो तो लहजा नरम होने चाहिए मेरे दोस्तों, ये आपके बच्चों की जिंदगी सुधारते हैं, आपने हमने पैदा किया अपने बच्चों को, मगर जो बच्चे का उस्ताद मोहल्ले का इमाम होता है, बच्चा को खाने का तरीका भी सिखाता है, सोने की दुआ
दुआ भी पढ़ाता है, उसे खाने का दुआ भी याद कराता है, जिंदगी के तमाम जरूरियाती चीज को उस्ताद दिखाता है, उस बच्चे के उस्ताद को गर्दियां ठेंगा दिखाता है, तो बताइए आइए आपका बच्चा कितना घंटा सिखाएगा, जब दिले भूस नहीं रहेगा तो वो कहेगा किताब बंद चल झुमरी कर दिया, है ना। तो अपने इमामों की कदर कीजिए, अहमियत कीजिए, जब तक कौम इमामों के तले जाकर के अपने मसाइल को हल करती रही तब तक हमारी कौम सुरखरू रही। अजीजिन इमामों से बेवफाई की, इमामों से बगावत होने लगी, उसी दिन मेरे दोस्तों हजारों में रुस्वा होने लगी हमारी कौम, हमारे लोग तरह तरह के मुकदमों में उलझने लगे। इसलिए अपने आलिमों की कदर कीजिए, अपने आलिमों से मोहब्बत कीजिए, और आलिमों बरकतों की नाजिल होगी, इमाम खुश होगा तो मोहल्ला भी खुश होगा। आप सोए रहते हैं फजर में ठंडी में उठ के अल्लाह इस मोहल्ले वाले की रोजी रोजगार में बरकत दे, तो आप ये दुआ इमाम करे, मलाई ले जा करके नचनिया को लकड़ी में खोस खोस इमामों को दीजिए, ईद बकरीद की ही नहीं जुमा के दिन जाइए उस दिन भी मुसाफा कीजिए, जब बच्चा 25 रुपये का टोपी एक दिन में खा सकता है तो क्या अपने इमाम को जुमे के दिन 20 रुपये का साफा नहीं कर सकते। हमारी कौम चाहे तो इमाम को खुश रख सकती है, मचल करके बोल दीजिए जरा सा सुभान अल्लाह, वक्त सेवा समाप्त, चार इफ्तारा हो गया है, अहमद रजा भाई ने बच्चा मुजफ्फरपुरी है, नकीब आजम हिंदुस्तान की नकाबत सुननी है, फिर कभी जिंदगी वफा करेगी तो आपसे मुलाकात की जाएगी, मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे नहीं बुजदिल के माहौल में तो अभी पढ़ा दिए हम क्या, बुजदिल के माहौल में मुस्कुरा करके बोलिए या रसूल अल्लाह, और पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली वतुब अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बच्चा मुजफ्फरपुरी साहब की शायरी से दो शेर, हमारी आवाज आपकी तरह नहीं है, फिर हम जैसा पढ़ेंगे वैसा आप नहीं पढ़िएगा, तो जैसा हम पढ़ेंगे वैसा पढ़ने लगिएगा, सारी दावत के नाम पे फटी बांसुरी से दो शेर सुन लीजिए, हम मुस्कुरा करके माँ बाप की मोहब्बत में बोल दीजिए सुभान अल्लाह, भोरे अरे दिने वासु में वार हो मक्का मा पैदा भइले, मक्का मा पैदा भइले, अरे मदीनी सरकार हो। भैया भैया भाई साहब कमेटी वाले भैया अस्सलाम वालेकुम, भैया वाले की सलाम, हाँ जब मौलाना लोग सलाम करे तो सलाम का जवाब दीजिए, और घर जाइए तो सब अपनी अपनी बीवी को आज से सलाम कीजिए, सलाम नहीं किए माशाल्लाह, एक लोहार का इसका पूरा सलीम भाई कौन दीवाना लगा सकता, कौन दीवाना, अब चाची लोग चलो 40 साल बहुत सलाम नहीं किए, आज जो जलसा से लौटेंगे तो हमको सलाम सलाम करेंगे, आज से आप लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम करेंगे, भाई सलाम करेंगे अपनी अपनी बीवी को, चाचा चाचा के फंसाने वाली बात बोल रहे हैं, आज सलाम नहीं किए आप क्या सलाम करेंगे, हाँ बीवी को सलाम कीजिए, बीवी को सलाम कीजिए, बीवी को सलाम करना ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये कोई हया की बात नहीं है, ये लाज की बात नहीं है, अरे मौलाए अली मुश्किल कुशा है पर फकत कथा कहे पर जमाते पे अंबर पर हुसैन के पापा जब अपने घर तशरीफ लाते तो अपनी बीवी सैयदा फातिमा को मौला अली सलाम किया, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, हम समझे उसका जोड़ा लगाने आ पा रहे हैं, सलाम कि
किया करते थे। जब हजरत अली अपनी बीवी को सलाम कर सकते हैं तो आप अल्लाह के ख्याल में है कि सलाम नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। पहले मजार पाले के नीचे सारी चौकी बन बन खाना बन बन, जब तक प्रिया जी सलाम नहीं करेंगे चूल्हा नहीं जलेगा, खाना नहीं बनेगा। जवाब है चुप कराए जाए पहले सलाम कीजिए तो हम खाना। तो आप क्या कहिए, जवाब है बोलिए ना, जवाब है, जवाब है, जवाब बता दे, जवाब बता। मैं सुनना चाहते हैं, शेर सुनिए कि भोरे में अरे तेरे वासों में वार हो मकामा पैदा भईल, मकामा पैदा भईल अरे मदनी सरदार हो, मकामा पैदा भईल अरे मदनी सरदार हो। और प्यारे नबी के रहे अरे ऐसन व्यवहार हो, कलमा पढ़ रहे हैं कलमा पढ़ रहे हैं अरे सारा संसार हो, कलमा पढ़ रहे हैं अरे सारा संसार हो। भोरे में सवैया रहल अरे दिनवा सोमवार हो, अपना है समाप्त कि आज़म के इस